हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनलॉकिंग मैथी स्किल्स। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन आईआईटी जैम 2016 का, और क्वेश्चन है जो रीएनालिसिस है और क्वेश्चन बेस्ड है इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज पे। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन पढ़ें। लेट एफ, देखिए जो हमें फंक्शन एफ दे रखा है, डिफाइन फ्रॉम -1 to 1 टू आर, बी अ कंटिन्यूस फंक्शन, देन द इंटीग्रल अबाउट 0 to π ऑफ द फंक्शन। देखिए हम जो इंटीग्रांड दे रखा है वो क्या दे रखा है, एक्स एफ ऑफ साइन एक्स डी एक्स इज इक्वलेंट टू वन ऑफ दीज, किन में से किसके वो इक्वलेंट हो सकता है। तो फ्रेंड्स देखिए, हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन को, तो इसमें थ्योरी की बात करें छोटी सी, देखिए थ्योरी इसमें काम अप्लाई करेंगे हम। तो देखिए हमें जो बेसिकली है जो इंटीग्रेशन करना है वो इस फंक्शन का करना है, दैट इज एफ ऑफ एक्स, कैपिटल एफ ऑफ एक्स, विच इज एक्स मल्टीप्लाइड में एफ ऑफ साइन एक्स। ठीक है फ्रेंड्स, और हमें देखिए इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है ओवर द इंटरवल फ्रॉम 0 to π। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए पहले हमें इस फंक्शन पर डिस्कस करना है जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, क्योंकि हम रिजल्ट जो लगाएंगे वो एक कंटिन्यूस फंक्शन पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब देखिए अगर इस फंक्शन में बात करूँ, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, दैट इज वन इज एक्स एंड सेकेंड वन इज एफ ऑफ साइन, एफ ऑफ साइन साइन एक्स है, तो दैट इज द कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन, दैट इज साइन एंड एफ। अगर मैं एफ ऑफ साइन की बात करूं तो देखिए जो पहला जो फंक्शन साइन है, क्योंकि ये जो कंपोजिशन है इसमें पहले कौन ऑपरेट होगा, या साइन, देन साइन से जो वैल्यू निकलेगी वो किस पे ऑपरेट होगी, एफ पे। तो मैं जानता हूं कि साइन एक्स को अगर मैं डिफाइन करना चाहूं तो उसको मैं आर से आर पे इजीली डिफाइन कर सकता हूं। ठीक है, और जो f देखिए डिफाइन कर रखा है, दैट इज डिफाइन फ्रॉम -1 to 1 to r। तो देखिए इस कंपोजिशन को डिफाइन होने के लिए क्या चाहिए था कि रेंज ऑफ साइन जो थी वो कंटेंड होनी चाहिए थी किसमें, डोमेन ऑफ f में, तभी हम इस कंपोजिशन को डिफाइन कर सकते थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए रेंज ऑफ साइन कितना है, यस -1 to 1, ये तो हमारा कोडोमेन है, और रेंज कितना देखिए -1 to 1, और वो इसमें कंटेन है डोमेन ऑफ f में, इट मीन्स ये जो है कंपोजिशन डिफाइन हो गई। ठीक है, दिस कंपोजिशन जो थी ये क्या है, टू कंटिन्यूस फंक्शंस की क्या है, कंपोजिशन है, क्योंकि साइन भी देखिए आर पे कंटिन्यूस और एफ तो गिवन है कंटिन्यूस। तो ये जो कंपोजिशन है दैट इज एफ, ये साइन एक्स, इसको हम इजीली डिफाइन कर सकते हैं कहां से आर पे। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम इजीली डिफाइन कहां से कर सकते हैं, देखिए आर से आर पे हम डिफाइन कर सकते हैं, इट मीन्स जो ये फंक्शन है हमारा वो ऑन आर ईजिली कंटिन्यूस है, ईजिली कंटिन्यूस है। अब हमें जो बात कर रखी है कि क्वेश्चन में 0 to π की बात कर रखी है, तो जब ये पूरा आर पे कंटिन्यूस था तो इस पे भी क्या है, ईजिली कंटिन्यूस। तो हमें क्या पता लगा कि एफ ऑफ साइन एक्स इज कंटिन्यूस आल्सो ऑन 0 to π। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए ये एक्स जो फंक्शन है ईजिली स्ट्रेट लाइन बनती है, इसका हम जानते हैं, तो ईजिली क्या है कंटिन्यूस, इस पे तो कंटिन्यूस है ही। तो प्रोडक्ट ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूस, तो हमें क्या पता लगा, दिस एफ एक्स इज कंटिन्यूस ऑन 0 to π। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए जो हम रिजल्ट यूज करने वाले हैं इसमें, ठीक है, जो सिंपल 12th क्लास का एक रिजल्ट है इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी का, कि इफ एफ इज अ कंटिन्यूस फंक्शन ऑन क्लोज्ड ए बी, देन इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है फ्रेंड्स, इस रिजल्ट को हम यूज करेंगे, तो यूज करना कहाँ है देखिए, इसमें यूज करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स जो देखिए थ्योरी थी, इंपॉर्टेंट थ्योरी, वो मैंने डिफाइन कर दी। बेसिकली इस क्वेश्चन को डायरेक्टली आप कर सकते हैं, लेकिन जो थ्योरी समझानी थी वो मैं समझा चुका हूँ आपको। अब इस रिजल्ट को अप्लाई करना सीखें, तो देखिए अगर हम इस इंटीग्रेशन वैल्यू को सिंपल सा है कि अगर आप आई लेट कर लेंगे, सिंपल आई इज इक्वल्स टू 0 to π एक्स एफ ऑफ साइन एक्स डी एक्स, इसको क्वेश्चन नंबर दिया हमने 1। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए अप्लाई करें अगर, तो दिस इंटीग्रेशन आल्सो इक्वल्स टू 0 to π, यस देखिए ए प्लस बी पाई प्लस 0 माइनस एक्स एफ ऑफ, यहाँ देखिए साइन में कितना आएगा, पाई माइनस एक्स डी एक्स, इसको नाम दिए क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा, तो यहाँ तो कितना बनेगा देखिए 0 to π
पाई माइनस x f ऑफ साइन x dx। अगर इस इक्वेशन को इसको ऐड कर दें हम तो हमें कितना मिलेगा देखिए, दैट इज 2i, ऐड होंगे देखिए इंटीग्रेंट्स तो ये कैंसिल आउट, बाहर आए देखिए पाई 0 टू पाई f ऑफ साइन x dx। तो देखिए फ्रेंड्स i की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज पाई बाय 2 0 टू पाई f ऑफ साइन x dx। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर ऑप्शंस में जाएं देखिए हम, तो ऑप्शन नंबर देखिए जो वन है हमारा जो सिंपल सा है दैट इज इजीली करेक्ट, ऑप्शन बी सी डी हमारे देखिए क्या हो जाएंगे देखिए रॉन्ग ऑप्शंस। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो चलो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन करना इज़ नॉट द पर्पज। ठीक है फ्रेंड्स, जितना हो सके क्वेश्चन को जितना अच्छे से एनालाइज करेंगे उसके बारे में जितना समझेंगे उतना ही क्वेश्चन को करने का जो तरीका हमारा और ज़्यादा डेवलप होता है बेसिकली। ठीक है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन देखिए इजी था लेकिन क्वेश्चन देखिए जो कंसेप्ट यूज हुए हैं बेसिकली, ठीक है कि हमने देखिए इस क्वेश्चन क्या क्या सीखा, हमने देखिए कंटिन्यूस फंक्शन सीख लिया बेसिकली, हमने देखिए कंपोजिशन ऑफ फंक्शन सीख लिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप एक क्वेश्चन में जितना ज़्यादा कंसेप्ट यूज़ कर सकते हैं वो करने के लिए ट्राई करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।